रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तबाही का दौर लगातार जारी है और 24 नवंबर को युद्ध के 11 महीने बीत जाएंगे। लेकिन इस युद्ध का अंत अब भी नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस पूरे युद्ध में कितने सैनिक मारे गए, कितने तोपों का इस्तेमाल हुआ। तो अब तक कम से कम ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया वो यही है कि 113,390 सैनिक इस जंग में मारे गए हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं, दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और 3,094 टैंक उसके तबाह कर दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सैनिक गाड़ी की हम बात करें तो यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने रूस की अब तक 6,159 सैनिक गाड़ियों को तबाह किया। और यहाँ 2,082 आर्टिलरी ऐसी हैं जो रूस की नष्ट यूक्रेन द्वारा की गई, यूक्रेन का दावा है। इसके अलावा कुछ और नुकसान का बड़ा दावा किया गया जिसमें बताया गया कि 395 रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिए गए। बिल्कुल, और फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो वो ये यूक्रेन कह रहा है कि 285 ऐसे फाइटर जेट हैं रूस के जो अब तक इस जंग में यूक्रेन ने तबाह किए हैं। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ, रूस के पास अच्छे खासे हेलीकॉप्टर की संख्या थी, लेकिन उसमें से 276 ऐसे हैं यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने तबाह कर दिए। दरअसल इस तरह के आंकड़े दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि रूस भले ही बड़ा देश हो, लेकिन छोटे से देश ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया और 17 जंगी जहाज भी रूस के उसने तबाह कर दिए। लेकिन वहीं इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि पश्चिमी मीडिया में प्रोपेगेंडा के तहत रूस की सेना के पुतिन के खिलाफ बागी होने की बात फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया की ओर से अपने दावे को सही साबित करने के लिए बकायदा वीडियो तक जारी कर दिए गए। हालांकि इन सब दावों के बीच युद्ध में रूस की सेना का रौद्र रूप देखने को मिला है अब तक, और पुतिन की पलटन अब यूक्रेन में जमकर तबाही भी मचाने लगी। सोलेदार को लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि एक ही मिसाइल हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिक मारे गए। इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों की लोकेशन ट्रेस कर टोर्च का मिसाइल दागकर एक ही हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया है। सोलेदार पर रूस हर हाल में कब्जा करने में लगा है। वहीं यूक्रेन रूस के साथ साथ वैगनर के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में लगा है। लेकिन सोलेदार पर नियंत्रण को लेकर किए गए अलग अलग दावों ने बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई। बड़ा सवाल कि इस फूट से चीन का भरोसा टूट जाएगा, इस दरार से चीन की दीवार दरक जाएगी, इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। जनरल नवस्ताब पीदर ये चर्त योबर दबोचे воевать у нас нет снарядов там парни гибнут за нас। इस कलह से कादिरव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। बगावत का वीडियो नंबर एक, начальник генерал штаба ты пидор ты чёрт ёбан дальше воевать у нас нет снарядов там парни гибнут за нас। बगावत का वीडियो नंबर दो, нормально тепло, блин, у тебя воспаление мозг работает, тепло, сухо, всё, нигде ничего не капает। रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है, अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में पुतिन के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है रूस के येवगेनी पेरोव्स्की पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स है जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है।
क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने तीन तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्तोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्तोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में देखा था। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना। फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े, अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। यूक्रेन जंग में अब दावा किया जा रहा था कि जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह मान रहे हैं उसे देखकर लगता है कि रूस की सेना में बगावत हो सकती है। लेकिन अब नए दावे के सामने आने के बाद यूक्रेन युद्ध में रूस के कैंप में कई पावर सेंटर बन जाने की दलील सामने आने लगी है। रूस की सेना एक फ्रंट पर खून बहा रही है, वहीं दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का जिम्मा रमजान कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने संभाल रखा है और वैगनर ग्रुप तबाही का एपिसेंटर बना हुआ है। लेकिन अगर रूस के खेमे में कई पावर सेंटर बनने की बात सही साबित हुई तो इसका सीधा मतलब होगा पुतिन के प्रभाव में कमी, जो पुतिन और उनके इनर सर्किल के लिए बुरी खबर साबित होगी। वाराणसी से आज से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिन में 3,000 किलोमीटर से अधिक का होगा सफर। डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली के कंजावला केस में गृह मंत्रालय की सख्ती। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिया आदेश। वारदात के वक्त रास्ते में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन की बात। केडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में ली आखिरी सांस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से।